चले इंप्रूवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th द्विघात समीकरण का एक वार्तिक प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पूछा भी जाता है, या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के ज्ञान दिए जा रहे हैं, एसएससी बैंक रेलवे और जीके भूगोल इतिहास सभी प्रकार के नॉलेज दिए जा रहे हैं। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखते रहें और इसको लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 × आधार × लंब या ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है यहां पर, आधार की लंबाई ज्ञात करना है, तो पता नहीं है, जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आधार की लंबाई पता होता तो 7 उसी में जोड़ करके उसकी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, वो मालूम नहीं है, उसे हम यक्ष मानेंगे। तो हल इसका होगा, कह रहा है कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, माना आधार की लंबाई यक्ष सेंटीमीटर, माना आधार की लंबाई बराबर एक सेंटीमीटर। हम आधार की लंबाई एक सेंटीमीटर मानते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई है आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर अधिक, तो उसी में 7 जुड़ जाएगा, तो ऊंचाई ऊंचाई या लंब बराबर हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर, x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है। तो चूंकि 1/2 × आधार × ऊंचाई या लंब ऊंचाई बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटे 2 × आधार × लंब या ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे मान रखेंगे हम 1/2 × आधार का मान कितना है, आधार की लंबाई माने यस, तो हो जाएगा यस बुढ़े ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यस प्लस 7, तो यस प्लस 7 बराबर क्षेत्रफल पता है पहले से 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यस को हम यस कराएंगे यस स्क्वायर, यस को गुणा 7 में कराएंगे प्लस 7 यस, इस पूरे का गुणा अगर 1 से कराएंगे तो वही आएगा, इस सब के नीचे 1 छिपा है 2 × 2 पूरे नीचे आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 30। अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, 1 से इसमें गुणा कराएंगे पूरे में तो वही आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस 7 यस बराबर 30 × 60, यस स्क्वायर प्लस 7 यस बराबर 60, तो यस स्क्वायर प्लस 7 यस इधर से प्लस 60 लाएंगे यहां हो जाएगा -60 बराबर 0। अब गुणा कराने में कितना लाना है, गुणा कराने पर 60 लाना है और जोड़ने घटाने कितना लाना है 7, तो संख्याएं क्या क्या है लाना है 7, तो 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 7, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 - 5 × x
माइनस 60 बराबर 0, इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x, फिर हो जाएगा माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर, यहां कॉमन लेंगे x, हम x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या कॉमन है, इसमें 5 है और माइनस है तो माइनस 5 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x प्लस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x प्लस 12 तो बचेगा क्या x माइनस 5 बराबर 0। यदि x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 12, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए इसको हम अमान्य मानेंगे, ये मान हम अमान्य मान लेंगे, ये अमान्य हो जाएगा। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा 5, हम यही माने थे आधार की लंबाई x, तो आधार की लंबाई आ गई पांच सेंटीमीटर और लंब या ऊंचाई आ जाएगी हमारी कितना मांगे थे x प्लस 7, x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, x का मान कितना है 5 प्लस 7 सेंटीमीटर, 7 5 12 यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई या लंब कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन हमारा एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x माइनस 1 में, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है, भुजा दी गई है, समकोण बनाने वाली भुजाएं दी गई है, एक दिया गया है 5x और दूसरी क्या दी गई है 3x माइनस 1। तो हम मान लेते हैं माना लंब की ऊंचाई 5x है, माना इसमें हल करेंगे इसको हम, माना लंब की लंबाई 5x सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार ही समकोण जिसका एक कोण 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण यहां पर नहीं मालूम है, कर्ण का सूत्र लगाएंगे हम, अब आधार की लंबाई क्या दिया 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क,
अब हम क्षेत्रफल भी दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बटे दो गुणे आधार गुणे लंब। तो सूत्र लगाएंगे, चूंकि एक बटे दो गुणे आधार गुणे लंब बराबर क्षेत्रफल, एक बटे दो गुणे आधार का मान कितना है 3x-1 गुणे लंब, लंब कितना है आधार का मान 3x-1 नहीं है सॉरी 5x, लंब का मान कितना है 5x, आधार का मान कितना है 3x-1 और लंब कितना है लंब 5x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 60। इस पर हम रख देंगे एक बटे दो गुणे आधार, आधार का मान क्या माने हम 3x-1 गुणे लंब, लंब का मान क्या है 5x, इस पर रख देंगे। अब गुणा कराएंगे 5x इसमें एक बार तीन में पांती आई 15x² 5x से एक में गुणा कराएंगे -5x बटे दो बराबर 60। अब हम यहां त्रिभुज गुणा करा देंगे, एक से गुणा कराएंगे इसमें तो वही आ जाएगा 15x² -5x बराबर 60 गुणा 120, इन दोनों में कॉमन है कितना 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे हम इसमें तो हो जाएगा 3x² -x बराबर 120, इसको और साफ करेंगे हम तो हो जाएगा 3x² -x बराबर 120 बटे 5, 3x² -x बराबर 5 से भाग करेंगे इसमें तो कैंसिल हो जाएगा 5 × 10 = 2, 5 × 20 = 24 आ जाएगा। अब 24 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x² -x - 24 बराबर 0। अब लाना क्या है 24 × 72 गुणा कराने पर 72 आए, जोड़ने घटाने पर आए 1 - 1 अब गुणा करने पर -72 आए तो 9 × 8 = 72 9 में से आ गया 1 ये हो जाएगा 3x² - 9 - जहां 1 है यानी सकते 9 - 8 × x - 24 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और 3x² - 9x - +8x - 24 = 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 3 * 9 x - 3 हो जाएगा प्लस यहां 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x - 8 * 3 = 24 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x - 3 बचेगा क्या 3x + 8 = 0। एक बार x - 3 की बराबर 0 से कराएंगे यदि x - 3 = 0 x बराबर क्या जाएगा 3, एक बार 3x + 8 की बराबर कराएंगे यदि 3x + 8 = 0 यहां 3x रोकेंगे 3x - 8 x बराबर क्या हो जाएगा -8/3 नेगेटिव आएगा इसलिए अमान्य हो जाएगा और x बराबर हम 3 मान लेंगे। अब हम लंब की लंबाई क्या माने हैं, लंब क्या माने हैं हम 5x सेंटीमीटर तो हो जाएगा 5 × x का मान कितना आया है 3
15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इलम हो गया, आधार की लंबाई, आधार के माने हैं 3x-1, 3 × एक्स के बाद 3 है 3 − 1, 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 8, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है हमें, कर्ण कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना आया है, लंब आया है 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है 8, 8 का वर्ग। 15 को दो बार गुणा करेंगे, 15 × 15 = 225 प्लस 8 × 8 = 64, आगे हो जाएगा 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 289 289 का वर्गमूल निकालेंगे 17, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई क्या गई 17 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इंप्रूवमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।